सीरियल रामायण में विभीषण का किरदार निभाने वाले मशहूर एक्टर मुकेश रावल की डेड बॉडी संदिग्ध हालत मुंबई में मिली। 65 साल के मुकेश रावल का शव कांदिवली स्टेशन के पास रेलवे पटरी के पास बुधवार को मिला। परिवार वाले सुसाइड की संभावना से इनकार कर रहे हैं। पुलिस फिलहाल मामला दर्ज कर जाँच में लगी है। बुधवार सुबह मुकेश की डेड बॉडी संदिग्ध हालत में मुंबई के मलाड़ और कांदिवली स्टेशन के बीच मिली। मंगलवार सुबह 8:30 बजे मुकेश रावल बैंक जाने के लिए घर से निकले। घर से निकलते वक्त मुकेश मोबाइल लेना भूल गए। हमेशा समय पर पहुंचने वाले मुकेश जब देर रात तक घर नहीं लौटे तो परिवार को चिंता हुई। परिवार ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। और जाते वक्त कल सुबह वो मोबाइल घर पे भूल के आए, तो ट्रेसेबल या कॉन्टेक्टेबल थे नहीं, ना उन्होंने कोई फोन किया था। पुलिस के हिसाब से मोटरमैन ने बोला है कि कांदिवली बोरीवली के बीच में आइदर ही वो क्रॉसिंग द ट्रैक जाके जल्दबाजी में और पीछे से ट्रेन ने उड़ा दिया उनको या टकरा गई ट्रेन के साथ। संदिग्ध हालत में मुकेश रावल की डेड बॉडी मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि परिवार वाले सुसाइड की आशंका से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि 65 साल के मुकेश रावल को कोई परेशानी नहीं थी।